Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in this video we are going to discuss about the analytical geometry, chapter number 4 from 12 plus math book. So we have started the exercise 4.1 and we have discussed first two questions. Now we are going to discuss the question number 3 from the exercise 4.1. So in the exercise question number 3, only one point is given here. Like in the part 1, we have given square root 176 and 7. The next bracket is not given to you and you will assume it at 0. Now you will solve the whole process of this question. So this will be easy for you to solve it. Now add this. So 0 minus 176 whole square, and also 0 minus 7 whole square. Okay, now as the square is cancelled by it, so 0 minus 176, it will become 176. Okay, now 0 minus 7 is 7, minus 7 and minus 7 square root will be equal to 49. So I am directly writing 49 here. Now add 176 and 49, it will come out 225 square root. Solving its square root, the answer will be 15. So in the question number 3, they have solved that you have to prove that these points are at a distance of 15. So now the answer came is 15. Then you will write, yes, these points are at the distance of 15. But agar aapka answer 15 nahi aata hai, to aap ye likhenge ki these points are not at the distance of 15. ठीक है. सो सिंपली आपने इसी तरह इन सब क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, उनको सॉल्व करना है. आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं. उसमें ए पॉइंट दिया हुआ है 10 माइनस 10 का. एक 10 पॉजिटिव है और एक 10 नेगेटिव है. ठीक है, दूसरे को आपने खुद अज्यूम करना है 0 0, और फिर आपने ये पॉइंट्स पुट अप करने हैं और आंसर को सॉल्व करना है. ठीक है, सो 0 माइनस 10 हो जाएगा. 0 माइनस माइनस 10 जब होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, सो मैं डायरेक्टली इनके दरमियान में पॉजिटिव लिख रही हूँ. ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो अब 0 में से कुछ भी माइनस करें वो 10 ही रहेगा. 10 का स्क्वायर में लेंगी तो वो 100 आ जाएगा. प्लस 0 प्लस 10 करेंगे वो भी 10 आएगा. 10 का स्क्वायर रूट 100 आता है, इसका स्क्वायर रूट. सो इनको जब ऐड करेंगे 200 आ जाएगा. 200 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आएगा 10 स्क्वायर रूट 10. तो अब इसका आंसर 15 नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली लिख देंगे कि ये 10 माइनस 10 के जो पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, नाउ अब लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा पॉइंट्स दिए गए हैं 1 और 15 और 0 0. आप खुद अज्यूम कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी सा हो गया क्वेश्चन. ठीक है, सो 1 माइनस 0 हो जाएगा और 15 माइनस 0 हो जाएगा. तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है. और 15 माइनस 0 15 हो जाएगा. 15 का स्क्वायर रूट आपके पास 225 आ जाता है. सो ये 226 हो जाएगा. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जब आप लोग लेंगे, इसका स्क्वायर रूट को और ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे, ये भी 15 के इक्वल नहीं है. तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयर दीज पॉइंट्स आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 फ्राम द ओरिजिन. अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 में 15 आवर 2 और 15 आवर 2, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट 2.00 आप खुद अज्यूम करेंगे. सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते. ठीक हो गया. सो 15 आवर 2 प्लस 0, सो 15 आवर 2, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. ठीक है, माइनस 0 आ जाएंगे. तो अब इसका एलसीएम ले लें, इसका सिंपलेस्ट हल यही है. तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे ना, सो देखें पहले तो ये स्क्वायर है. ठीक है, 2 का नहीं, मैं फुल स्क्वायर रूट ना खोल रही हूँ. सो यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट खोला. और जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो वो 225 आ जाएगा. ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह इसका भी आंसर यही का यही आ जाएगा, 4/225. इन दोनों को ऐड हम करेंगे, स्क्वायर रूट लिया और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 450/4. ठीक है, सो ये चीज़ आ गई. अब नेक्स्टली हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके स्क्वायर रूट को वापस जो है वो ओपन करेंगे. और जब आप इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे मतलब, तो आपके पास ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. सो यहाँ पर भी 15 आंसर नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली कह देंगे कि ये भी 15 डिस्टेंस पे, ओरिजिन पे नहीं है.
ठीक है। सो अब हम लोग जी चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। सो जी क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमने ज़रा ज़्यादा सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर फोर पूरा नहीं हो सकेगा इस वीडियो के अंदर, सो बाकी फिर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक कर चले गएंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन में तीन पॉइंट दिया हुआ है, पहला ए पॉइंट है और वो जीरो और टू पॉइंट है, फिर दूसरा बी पॉइंट है और वो है स्केयर रूट थ्री और माइनस रूट थ्री और माइनस वन है, और एक सी पॉइंट भी दिया हुआ है वो जीरो और टू है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये तीन पॉइंट्स एक ट्राइंगल बताते हैं, और अगर आप ये बताएं कि ये ट्राइंगल वाकई में ही बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, सो सिंपली आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, दो दो लाइन सिलेक्ट कर लेनी है, यानी पहले ए और बी का डिस्टेंस आप निकालेंगे, फिर बी और सी का आप डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। और ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट होगी, आप इन तीनों के स्केयर का सम देखेंगे किसके इक्वल आ रहा है, अगर वो सम इक्वल आ रहा है तो वो ट्राइंगल होगी, अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो वो फिर उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। सो ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस आप वही सिंपली उसी तरीके से निकालेंगे, ज़ीरो माइनस स्केयर रूट थ्री होल स्केयर माइनस टू माइनस माइनस वन हो जाएगा होल का स्केयर रूट। ठीक है, सो अब आप लोग इसका ये स्केयर रूट चला जाएगा, जीरो में से तीन के तीन तो थ्री आंसर आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर टू में से वन माइनस आप लोग कर देंगे तो वो वन आ जाएगा, थ्री प्लस वन का स्केयर रूट इज इक्वल टू फोर का स्केयर रूट विच इज इक्वल टू टू हो जाता है। ठीक है, सो पहले का ये आंसर आ गया। अब आपने ना सॉरी यहाँ पर गलती हुई है कि माइनस माइनस आप प्लस करेंगे ना, सो टू प्लस वन थ्री आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद थ्री माइनस थ्री का होल का स्केयर रूट जब आप लेंगे तो थ्री प्लस ये हमारे पास नाइन आ जाएगा, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, सो ट्वेल्व का स्केयर रूट हमारे पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ए बी का होल का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ट्वेल्व आया है, सो यहाँ पर स्केयर रूट इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लें, इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके डिस्टेंस का स्केयर रूट इज इक्वल टू ट्वेल्व आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आपने तीनों के आंसर्स निकालने हैं। अब ये ए बी का आंसर ट्वेल्व आ गया है, अब हम बी और सी का आंसर निकालेंगे। सो बी और सी का आंसर अब आप लोग देख सकते हैं, बी और सी के आंसर में आपने क्या करना है कि ज़ीरो माइनस स्केयर रूट थ्री और का स्केयर प्लस टू माइनस माइनस वन का होगा स्केयर रूट, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर थ्री बच जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइनस वन का होल का स्केयर रूट बच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर थ्री प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, इसके स्केयर रूट को खोला, ये फोर आंसर आ जाएगा, फोर का स्केयर रूट। अब हमने बी सी इन दोनों के ऊपर स्केयर रूट ले लें, ये कट जाएगा इसके ऊपर स्केयर रूट, यानी कि बी सी जो है वो फोर का स्केयर रूट फोर के इक्वल आ रहा है, सो उसका ट्वेल्व आंसर था, इसका फोर आंसर आ गया। अब हम ए सी का आंसर निकालेंगे और फिर हम उनको देखेंगे कि ये ट्राइंगल बनती भी है या नहीं। तो ए सी का स्के लाइन सेगमेंट लेते हैं, ए और सी की ये पॉइंट्स है, तो पहला ज़ीरो माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ना होने के बराबर है, और टू माइनस टू हो जाएगा होल का स्केयर रूट, तो ये हमारे पास माइनस फोर होल का स्केयर रूट आ जाएगा। इसको करेंगे तो वो सिक्सटीन का स्केयर रूट, और सिक्सटीन का स्केयर रूट में ए सी अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो ये कट जाएगा, और ए सी होल का स्केयर रूट इज इक्वल टू सिक्सटीन के इक्वल आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसका ये चीज़ें होनी चाहिए, ए बी का होगा स्केयर रूट प्लस ए सॉरी बी सी, यानी ये फार्मूला प्रूव होना चाहिए। सो अब ए सी आपका 16 है, ए बी आपका 12 आया था और 4 आया था, 12 में 4 ऐड करें तो वो 16 होता है। इट्स मीन कि ये जो तीन वर्टेक्सेस हैं ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं 90 डिग्री की, कुछ ये ऐसी एंगल बनाएंगे जो कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन पार्ट फोर का क्वेश्चन नंबर टू।
वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें ए पॉइंट है 3 और 1, बी पॉइंट हमारे पास आ जाता है -2 और -3, और सी पॉइंट है 2 और 2। ठीक है, सो सबसे पहले अब ए बी का आंसर, फिर बी सी का, फिर ए सी का आंसर। ठीक है, सो अब ए सी का आंसर आपके पास क्या आएगा, सिंपली आप लोगों को ये ए और बी का। ठीक है, सो 3 और -2 का होल का स्क्वायर रूट प्लस 1 -3 का होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो अब आप लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो सबसे पहले का जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस नहीं आएगा, 3 के साथ पॉजिटिव है, सो 5 का होल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर -3 और 1 4 आंसर आ जाएगा। सो 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 25 प्लस 16, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 41 हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर 41 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब बी सी का आप लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, तो बी और ये सी -2 -2 हो जाएगा होल का स्क्वायर रूट प्लस -3 -2 होल का स्क्वायर रूट, सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो इसका आंसर आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका आंसर 5 का होल का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 16 प्लस 25 आप लोग करेंगे तो वो भी स्क्वायर रूट 41 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये 41 है, सो इसका आंसर क्या आया है, स्क्वायर रूट 41। ठीक है, अब बी ए सी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, तो ए और सी की वैल्यूज़ क्या हैं, ए है 3 और 2, 3 - 2 का होल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 1 - 2 का होल का स्क्वायर रूट, सो ये 5 का स्क्वायर रूट नहीं, 3 - 2 है ना, सो 1 हो जाएगा ना, और प्लस 1 - 2 - 1 हो जाएगा, सो इनका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 1 + 1 होगा, और 1 + 1 2 होता है, 2 का होल का स्क्वायर रूट तो 2 के इक्वल हो जाएगा। सो जब आप इनको ऐड करेंगे, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए सी की वैल्यू कुछ और आई है, स्क्वायर रूट 2 आई है, जबकि बी सी और ए बी इन दोनों की वैल्यू स्क्वायर रूट 41 आया है। सो इट्स मीन क्या है, ए बी और ये दो साइड्स इक्वल हैं, एक साइड नहीं है। सो ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों उसको हम कहते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। सो आइसोसेलस ट्राइंगल, सो इट्स मीन क्या है, ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड सेम हैं, तीसरी साइड सेम नहीं है। सो ये हम लोग इस क्वेश्चन में ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 को और जो है और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।